अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशास किचन। आज मैं आपको तुअर दाल बनाना सिखाना चाहती हूँ। ये मैंने तुअर दाल ली हुई है, ये मैंने हाफ कप ली हुई है। एक्चुअली दाल हम सादी बनाएंगे, बिना वेजिटेबल्स डाले फिर भी अच्छी लगेगी, या कुछ लोग प्रिफर करते हैं वेजिटेबल्स डालना, वेजिटेबल्स डालेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। आज मैं मेरे दाल में ये डाल रही हूँ, ड्रमस्टिक डाल रही हूँ। ड्रमस्टिक एक्चुअली इसमें हिंदी में आपको बोलते हैं मूंगे की फल्ली। ये मैंने छोटे छोटे पीसों में काट के साफ़ करके रख लिया है यहाँ पे। ये मैंने एक कप लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे लिया है टमाटो। टमाटो मैंने 4 टमाटोस काट के रखा है। ये है ऑनियन, ऑनियन मैंने 1 ऑनियन काटी है, और इतना सा धनिया काटा है, और यहाँ पे है लहसुन। लहसुन मेरे 12 से 15 कलियों तक लिया है, और मैंने लिया है मेरे मसाले। ये मैंने जीरा ली है, येलो पाउडर, चिल्ली पाउडर, ये है नमक, और ये यहाँ पे मैंने सेपरेट रखा है फिर से ऑनियन एंड राय, और ये है करिया पत्ता। फिर से ऑनियन इसीलिए दिखा रही हूँ, ये मैं बगार में यूज़ करने वाली हूँ, और मुझे चाहिए होगा 2 ग्लास इतना पानी। चलिए अब बनाना सीखते हैं। पहले हमें एक कुकर लेना पड़ेगा। कुकर में मैं दाल डाल चुकी हूँ, धो के है, और इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, 2 ग्लास इतना पानी डालूँगी। और इसके बाद मेरे सारे जो मसाले मैंने रखे हुए थे, इन सब को इसमें डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इन सारों मसालों को डाल लिया है इसमें। मैं अभी ये चिल्ली पाउडर दो कुछ भी मैंने रखा था, इसे भी डाल दूँगी, और मैं यहाँ पे डालूँगी नमक। नमक इसमें 2 टेबलस्पून लगेगा, तो 2 टेबलस्पून नमक डालूँगी इसमें। हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली स्टोव पर रखेंगे। इसे गलना चाहिए पहले, इसके बाद हम इसको बगारेंगे। तो इसे गलने के लिए मैंने जो ये ड्रमस्टिक ली हुई है, ये ड्रमस्टिक भी मैं इसके ऊपर ही ऐसे रख देती हूँ। क्या होगा, दाल के साथ ये ड्रमस्टिक भी हमारी गल जाएगी, 2-in-1 काम हो जाएगा हमारा। ये देखिए, मैंने अभी कुकर स्टोव पे चढ़ा दिया है। रीज़न ड्रमस्टिक इसी में रखने का रीज़न एक ही है कि इसका जो फ्लेवर रहता है दाल में अच्छे से आ जाता है। अगर आप कोई भी वेजिटेबल दाल में डाल रहे हैं, इसे सेपरेटली गलाएंगे तो इसका जो फ्लेवर रहेगा वो नहीं आएगा। अगर आप इसे दाल में इसे ही एक छोटे से कप में रख के इसे रख देंगे, तो क्या होगा, उसका फ्लेवर दाल में अच्छे से आएगा इसीलिए। और मैं इसमें पानी कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने नीचे जो पानी डाला हुआ है वही पानी इसमें आ जाएगा। मतलब जब हम कुकर मूस देंगे, जब वो उसके प्रेशर से पानी इसमें भी आ जाएगा, इसके बाद ये मैंने जो ड्रमस्टिक रखी है ये भी गल जाएगी। हमें इसे अभी 4 विजल्स करना पड़ेगा, इसके बाद हम कुकर ओपन करेंगे। ये देखिए, अभी 4 विजल्स हो गए हैं, अभी मैं कुकर ओपन करूंगी। बहुत ही गर्म है, और हमारा जो ड्रमस्टिक रखा हुआ था ये मैं बताती हूँ आपको, देखिए अच्छे से गल गया है। इसको हम क्या करेंगे, अभी बाहर निकालेंगे। ये बहुत ही गर्म होगा, तो मैं ये चिमटे का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने अभी निकाल लिया है बाहर, और ये हमारी दाल है जो गली हुई है। अभी देखिए, ये ऐसे लगेगी। ये सब कुछ, ये जो हमारे टमाटोज ये सब जो डाले थे, सब कुछ ऐसे सारे सारे रह गए, बट गली होती है। तो हमें भी एक मैशर को लेके अच्छे से मैश करना पड़ेगा दाल को। मैं अभी मैशर को लेके अच्छे से मैश कर लेती हूँ। देखिए, ऐसे हमें अच्छे से मैश करना पड़ेगा। इसके बाद हम लास्ट में इसे बगारेंगे। मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ इसको पहले। ये देखिए, मैंने अच्छे से मैश कर लिया, ये एकदम साफ लगेगी। अब हम इसको बगारेंगे। हाँ, बगारने के लिए मैंने अभी एक विजल रख लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाला हुआ है। ऑयल को गर्म होने के बाद हम इसमें पहले राय डालेंगे। मैंने जो बगार के आइटम्स रखे हुए थे, इन सारे चीज़ों को अब हम डालेंगे। तो पहले जाएगी राय, हाँ
उसके बाद मैं ऑनियन डाल देती हूँ। इसे अच्छे से ब्राउनिश होने देना है। ये ब्राउनिश हो रही है, अभी हम इसमें करिया पत्ता डाल देंगे। करिया पत्ता जब आप डालते हैं स्टोव में तेल में तो थोड़ा सा दूर होके डालना पड़ेगा, क्योंकि वो जब डालेंगे तो वो ऐसे उड़ता है ज़्यादा। हाँ, ये हुआ। अभी इसके बाद हम लास्ट में डाल देंगे हमारी दाल, दाल जो हमने मैश करके कुकर में रखा है, मैं इसे अभी इसमें डाल दूँगी। देखिए, कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से आप बना सकते हैं। आपको थोड़ा थिक चाहिए तो ऐसे चलेगा, नहीं तो और थोड़ा मैं पानी डालूँगी बोले तो पानी भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप टेस्ट करके कुछ भी कम दिख रहा है आपको तेज़ या नमक कुछ कम दिख रहा है, आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसे अच्छे से मिक्स करके अभी ऐसे ही छोड़ती हूँ, मतलब मैं इसे मूंज के छोड़ देती हूँ। इसे अच्छे से उबाल आना है। इसके बाद हमने जो वेजिटेबल्स इसमें गला के रखे थे वो डालेंगे। अभी डाल देंगे तो क्या होगा, वेजिटेबल ऑलरेडी गली होगी, इसके साथ मिक्स होके अभी भी गल जाएगी तो बहुत ही बहुत गल जाएगी। इसलिए इसके बाद जब ये अच्छे से गल जाएगा लास्ट में हम वेजिटेबल्स डालेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है। अब आपको एक दो मिनट छोड़ना पड़ेगा, इसके बाद हम इसमें ड्रमस्टिक्स डाल देंगे। ये अब अच्छे से पक गया है, मैं अपने आप ड्रमस्टिक इसमें डाल दूंगी अभी। इसके बाद अच्छे से मिक्स करके छोड़ देते हैं, इसके बाद भी एक दो मिनट के लिए पका लेते हैं। बाद हमारा ड्रमस्टिक वाला दाल पक के रेडी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हमारी ड्रमस्टिक दाल बनके तैयार है। ये आप चावल के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आज की जो रेसिपी आज आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारा डेली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।